हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो यार आप सभी? अभी यार आज हमारा प्लान बना है ऋषिकेश का, और ऋषिकेश हम आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल है शिवरात्रि, और कल महाशिवरात्रि के पर्व के अनुसार बहुत कुछ होना है आज ऋषिकेश के इस ब्लॉग पर। और हमारे कुछ भोले मित्र हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे कांवर लेने, जो आज ऋषिकेश में हमसे मिलने वाले हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे फिलहाल हम, और हम उनसे वहीं मिलेंगे। हम आज थोड़ा यार लेट हो गए, हमें जाना था इससे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले निकलना था, बट हमारा यार गोप्रो चार्ज नहीं था, चार्ज वगैरह करने में काफ़ी लेट हो गए। और वो जो हमारे भोले मित्र लोग आए हैं थोड़ा अभी उनसे नाराज़ है, क्योंकि साथ में निकलने का था, वो लोग हरिद्वार से निकले हैं और हम लोग अभी निकले हैं देहरादून से। प्लान यही था कि यार साथ साथ चलेंगे, लेकिन फिर सारी प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा यार तुम लोग निकलो, हम तुमसे हरिद्वार में ही मिलेंगे और ऋषिकेश में ही मिलेंगे। यहाँ की ये ट्रैफिक फिर से वही नकोर। और आज भी ठीक है, यहाँ पे तो कुछ खास कर कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक होती है, बसें रोड पे खड़ी है, तो बस अड्डा किस लिए बना रखा है। जो हमारे मित्र आए हैं भोले मित्र, जिनको मैं कह रहा हूँ भोले इसलिए क्योंकि जो लोग कावा लेने आते हैं उनको सबको भोले ही बोला जाता है, बाकी भोले तो वो दिल से है ही, शकल से भले ही ना लगे भाई। तो यार ये बन गया हमारा पोल्यूशन, भैया ने हमें दे दिया है। तो यार अभी हमने पॉल्यूशन भी बना लिया और अभी हम पहुंच गए रिस्पना। और यार भोले लोगों के भी कॉल आ रहे हैं, लेट तो हो ही गए हैं आज, सुनने को काफ़ी मिलेगा, कतई पायलट है चचा भी। ऋषिकेश जाके शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे को बुलेट छोड़ के स्प्लेंडर में बैठना पड़े, क्योंकि जो दोनों आ रखे हैं ना उन दोनों को स्प्लेंडर, मतलब बाइक तो चला लेते लेकिन पहाड़ों पर राइड करने से दोनों डर रहे हैं। तो वो लोग कह रहे थे मेरे से कि यार वहाँ पे आके एक बाइक तुम दोनों में से कोई चलाना, एक ये चला लेगा तो जो मेरे पीछे मारू बैठा है वो बुलेट चला लेगा, मैं स्प्लेंडर चला लूँगा। तो यार फाइनली अब रास्ते पर कुछ कावरिया हमें दिखने लग गए, और अभी भी हम यार देहरादून हमारे रोड पर ही है। मेरे को अंदर से ना ऐसा धक हो रहा है कि यार मैं लेट हो रहा हूँ, वो लोग मनी मन में मुझे कितना सुना रहे होंगे। ये रास्ते में हमें कावारी अब दिखने लग गए, कावारी। तो यार अभी हम यहाँ से लेंगे टर्न, हम आगे आज नेपाली होम से नहीं जा रहे, आज हम इसी जगह से जाएंगे। ये सारी महिलाएं क्यों हैं इधर, सब स्कूटी से, सबके टांगे नीचे देखो, और देखो ये दो लड़के जा रहे हैं दोनों के टांगे ऊपर। ये कह रहे थे हम लोग जब भी ऋषिकेश गए ना, गए हम इसी रूट से, आते टाइम पता नहीं हम लोग कौन से रूट से आते, कहीं और ही जाके निकलते हैं, कहीं और ही से आते हैं, आते टाइम पता नहीं कौन सा दिशा भ्रमित हो जाता है हमको। तो यार हम लोग ऑलमोस्ट ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, यहाँ से ऋषिकेश अभी 3 किलोमीटर दिखा रहा है, और जंगल में तो पतझड़ का मौसम अलग ही हो रखा है, पूरे जंगल में पतझड़ है। तो
तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के अंदर, और अभी हम यहाँ पे नहीं ब्रेक नहीं लेंगे, अभी सीधे चलते हैं। यार वो लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे, वैसे यार वो लोग ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। महादेव के मंदिर नीलकंठ, वो लोग यहीं पर रुके हुए हैं हमारे वजह से। अरे ये चेक करो यार, ये नज़ारा ये देखो। ऋषिकेश की ट्रैफिक देखो यार, मैं तो टूट गया यार, बेकार है अब। पहुंच चुके हैं UK 14 यानी कि ऋषिकेश, और ऋषिकेश का सबसे जो गंदा सीन लग रहा है वहाँ की मुझे ट्रैफिक। किधर? तो यार फाइनली हम इनसे मिल लिए, सारे भोलों से मिल लिए। अब हम इन भोलों के साथ जा रहे हैं नीलकंठ, और यहाँ से है ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर भी काफ़ी दिखा रहा है यार, डेढ़ घंटा दिखा रहा है 26 किलोमीटर। पहाड़ का रोड ना ऐसे ही होगा। दीदी पहले फ़ोन में बात कर लो, इनको फ़ोन में बतियाना भी है। सामने एक बच्चा भी है, फोन में भी बात कर रही है, स्कूटी चला रही है लड़की, बताओ। बच्चा है, मेरे को भी पहले लगा कुछ रखा हुआ होगा। थोड़ा साइड कर लो, टकराया, बढ़िया हुआ। नौटंकी, हम इधर से आए थे ना मारो, अभी पक्का इधर ही से आए थे। नहीं किया था तो इस समय हमारा दोनों चीज 50-50% खत्म हो चुका है, SD कार्ड भी और बैटरी भी। बैटरी हमारे पास स्टॉक में और है, बट SD कार्ड नहीं है। यार ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि इससे आगे गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, इससे आगे गाड़ी चलाएंगे मेरे मारू भैया। अब कहीं पे एकांत देखा जाए तो गाड़ी रोका जाए। यार अभी हम लोग ऑलमोस्ट तपोवन पहुंच चुके हैं, तपोवन से जाना है जोंक, जोंक से जाना है फिर नीलकंठ महादेव मंदिर। तभी मैंने जैसे कहा था बीच में ज़्यादा जगह घेर रखी, थोड़ा उधर करके खड़ी करो रे। ये बस हम पहुँचने वाले हैं 2-3 किलोमीटर में नीलकंठेश्वर मंदिर। सारे कावड़ियों के पूरा कस्ता आगे की तरह, कैमरा मोबाइल कुछ भी ले जाना अलाउ ही नहीं था, तो वहाँ के तो क्या रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत बाहर का ही इशू हो गया हो पाया, और इसकी खैर रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं, सिक्योरिटी इशूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी भाई साहब लास्ट डे आज, इतनी ज़्यादा भीड़, हालत खराब हो गई। हाँ रिवर राफ्टिंग, ये हो रही है रिवर राफ्टिंग यहाँ पे। ये पता नहीं कौन चूतिया गया उंगली दिखाते हुए। इतना पानी नहीं है कि लोग डूबेंगे। हम्म,
और हेलमेट लगा ही रखा है, सिर फूटेगा नहीं, बाकी क्या है। ये आ गए हम ऋषिकेश, वो सामने रहा लक्ष्मण झूला, कैमरे में पता नहीं दिख रहा कि नहीं। ये आ गए हम लक्ष्मण झूला, ये देख लूंगा माता, हरिद्वार से दर्द वाले हाईवे पे पैदल ही थोड़ी सी बैठ के बजा के ओला करने के लिए छोड़ दिया। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, लास्ट तक पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।